हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब से आज एक बात करना चाहती हूँ। देश में जो हो रहा है बेटियों के लिए, कहाँ तक सही है? क्या बेटियों का सपना देखना बुरा है? क्या बेटियों का आगे बढ़ना बुरा है या बेटियाँ होना बुरा है? मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। उसको हंसते खेलते देखना, बड़े हो जाना, बाहर निकलती है तो एक डर सा बैठा रहता है मन में। कहाँ तक, कब तक रहेगा ये डर? ये देश की हर माँ के साथ में ऐसा है कि अपने बच्चे को लेकर इतना डर, प्रोटेक्टिव। बच्चे नहीं समझ सकते इस चीज़ को। बच्चों को ये लगता है कि नहीं, माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती है तो माँ ज्यादती करती है। नहीं, माँ उन दरिंदों से डरती है। क्या गलती थी उस डॉक्टर की? वो तो सबका जीवन बचाने के लिए रात की नाइट ड्यूटी उसने लगाई हुई थी। क्या पता था उसको कि उसके साथ ऐसा हो जाना है? और ऐसा नहीं है। बात करना चाहती हूँ। एज अ मदर, हम माँओं की जान निकल जाती है अगर हमारी बेटियों को चोट लग जाए, बुखार भी आ जाए, तो बस यही लगता है कि भगवान वो जल्द से ठीक हो जाए, भले ही उसके बदले हमें कुछ भी हो जाए, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसको दर्द ना हो। सोचो, आप कल्पना कर सकते हो कि कोलकाता में जो डॉक्टर लड़की के साथ में जो हुआ है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसे डॉक्टर बनाया? क्या बीत रही होगी इस लड़की पर, किस दर्द से वो गुजर रही होगी, सोच भी नहीं सकते हम सब। क्यों हो रहा है ऐसा, पता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं रेपिस्ट को पता है कि हम बच जाएंगे। हमारे देश का कानून ऐसा है, बहुत ज़्यादा 5-10 साल की सज़ा होगी, पैसे खर्च करेंगे, बच जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? कैंडल मार्च निकालेंगे, कैंडल जलाएंगे। किसने सिखा दिया कैंडल जलाना? किसने सिखाया? कल आज़ादी का पर्व मनाया हम सब ने। क्या सच में आज़ाद हैं हम सब? यही हमारी आज़ादी है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बाहर नहीं निकल पा रही हैं बेटियां, रात के सन्नाटे में, अंधेरे में बाहर नहीं निकल पाती हैं। क्या इसीलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को? इसीलिए हम आगे बढ़ना देना चाहते हैं? नाइट शिफ्ट लगती है, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अगर वो बात करती है तो वो बेशरम, बेहया, बदचलन। ये चीज़ें लड़कों पे लागू क्यों नहीं होती हैं? कहाँ गई ये सोच? कैसी सोच है लोगों की? कहाँ से इतना बड़ा कलेजा लेके आते हैं? कहाँ से इतनी दरिंदगी लेके आते हैं? एक बार भी उनकी रूह नहीं कांपती है इतनी भयानक दरिंदगी करते हुए। मतलब क्या किया है, क्या चीज़ें हैं? सच में दिल दहल जाता है, दिल कांपता है सोच सोच के। चीज़ें, बेटी अपनी हो या बेटी पराई, जिसको तकलीफ़ होती है ना, वो दर्द दूसरों का भी महसूस कर लेता है, और जिसको तकलीफ़ नहीं होती है उसको खुद के दर्द से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले अंग्रेज़ जुल्म ढा रहे थे, अब देशवासी देशवासी होके एक दूसरे पे जुल्म ढा रहे हैं। कोई बाहर का नहीं आया रेप करने के लिए उस बच्ची का, अपने ही कर रहे हैं। कहाँ गई इंसानियत लोगों की? क्या ज़रा भी इंसानियत नहीं है? छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं क्या? खुद की बच्चियाँ नहीं होती हैं? कैसा दिल है, कैसे कर लेते हैं, कैसे देख लेते हैं?
9 दिन चाहिए। पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, और पराई औरतों को ऐसे देखते हैं, पराई लड़कियों को ऐसे देखते हैं। कौन सा वैशीपन होता है, कौन सी नग्नता दिख जाती है उनमें, क्या दिख जाता है, क्यों? क्या दिखता है? मेरी तो सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ढूंढ के उन दरिंदगों को ऐसी बुरी सज़ा दें कि उनकी रूह कांप जाए। पता नहीं ये समाज के लोग कैसे हैं जिसने किसी भी बेटी के साथ कुछ भी हो जाए। कैंडल पकड़ना सिखा दिया कि आप कैंडल पकड़ लीजिए, मोर्चा निकाल दीजिए। कैंडल नहीं, हथियार पकड़ना चाहिए। एक महाभारत छिड़ जानी चाहिए। इतना घिनौना काम करते हुए सिर्फ मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलाने से कुछ नहीं होगा। हर जगह ऐसे दरिंदगे हैं, हर जगह ऐसे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी आंखों में मैं क्या बोलूँ, ऐसी ऐसा वहशीपन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। आप कहीं भी रहें, आप सामने रहें, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे रहें, कहीं भी आप नहीं बच सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, और आप सब भी सरकार से रिक्वेस्ट करिए कि उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सच में मैं तो बहुत हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा।